हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणेश, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल हैवी मशीनरी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग JS-140 मशीन का सर्विसिंग के लिए हम लोग आज साइट में पहुंच गए। आज हम आप सभी को ये जानकारी देंगे कि JS-140 मशीन का इंजन ऑयल और हाइड्रोलिक फिल्टर वगैरह कैसे चेंज किया जाता है, ये जानकारी आप सभी को देंगे आज। ये JS-140 कमिंस 4BT इंजन इंजन ऑयल कैप हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ये इंजन ऑयल गेज, इंजन ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल ड्रेन प्लग, इसमें 17 नंबर का गोटी लगता है। फ्यूल लाइन का मेन हॉस है ये, इसमें 19 नंबर का बेंजो बोल्ट लगा हुआ रहता है। अभी हम लोग ये वाटर सेपरेटर रिमूव कर रहे हैं। इसमें दो वाटर सेपरेटर और एक फ्यूल फिल्टर लगा हुआ रहता है। अभी हम लोग नया फ्यूल फिल्टर लगा रहे, इसमें हम लोग अभी फ्यूल पूरा भर के लगा रहे।
स्विंग मोटर का ड्रेन प्लग है, 19 नंबर का रेंज लगता है इसमें। ट्रैक मोटर से भी हम लोग गियर ऑयल ट्रेन करेंगे, इसमें 10 नंबर का एलन की लगता है। अभी हम लोग ट्रैक मोटर में गियर वेल रिफिल कर रहे हैं। इसमें दोनों ट्रैक में 2.5 लीटर करके गियर वेल लगता है। स्विंग मोटर में 3.5 लीटर गियर ऑयल लगता है, इसमें लेवल में आ गया है अभी। हाइड्रोलिक रिटर्न फिल्टर अभी हम लोग इसको रिमूव करके नया रिटर्न फिल्टर लगाएंगे। We'll be right back.
अभी हम लोग फिल्टर में ऑयल भर के ये इंजन ऑयल फिल्टर हम लोग इंजन में लगाएंगे। इंजन ऑयल 15W40, इंजन का कैपेसिटी है 9 लीटर। इंजन ऑयल जो है अभी हम लोग का गैस में आ गया है। आप सभी को JS-140 मशीन का इंजन ऑयल और हाइड्रोलिक फिल्टर वगैरह कैसे चेंज किया जाता है ये जानकारी आप सभी को दे दिए है। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।